क्या नंबर दिख रहा है आपको? के 318। अब ये ऐसी आपको कॉलकम और एमटीके दोनों में आएगी, ठीक है। इसका काम सिर्फ आवाज को बढ़ा के देना है, एम्पलीफाई करना है आवाज को, ठीक है, सिग्नल को बूस्ट कराने का काम है। तो पास में क्या मिल रहे हैं? दो कॉइल और इनपुट में दो इनपुट में रजिस्टर, ये हाई वैल्यू कर रहे थे। दो इनपुट में सीरीज में कैपेसिटर कैसा रहेंगे? यहाँ ड्रॉ कर रहे थे ना अपन, सीरीज में रहेंगे क्योंकि इसमें से सिग्नल फिल्टर हो रहे हैं ना इसमें से, ठीक है। तो ऑडियो के सिग्नल इससे आईसी को मिलते, कहां से मिलेंगे वो? ऑडियो से। कहां से? ऑडियो कहां से कनेक्टेड है? याद रखते हैं सर। तो ये हमारा सीपीयू हो गया, कॉलकम सीपीयू आ गया। तो डब्ल्यू सी डी से पहचानेंगे किसे? वायरलेस कोडेक, इसका फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस कोडेक। अगर हमारा कॉलकम है तो डब्ल्यू सी डी, अगर डब्ल्यू सी डी नहीं रही तो किसके अंदर रहेगा? पावर आईसी ही हमारा मेन पावर, सेकेंडरी पावर नहीं, चार्जिंग एसी नहीं, मेन पावर जो रहेगा जिसके पास में क्रिस्टल मिलता है आपको, वही हमारा क्या रहेगी? ऑडियो से। अभी मैं डायग्राम में भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एमटीके में, तो क्या है इसी के अंदर ऑडियो प्लस पावर इसी में है। तो अब ऑडियो सेक्शन में क्या क्या कनेक्टेड है? रिसीवर, जो हम कॉल आने पर सुनते हैं आगे वाले की आवाज। दूसरा है रिंगर आईसी, इससे कनेक्टेड है रिंगर, और रिंगर का टिप्स नीचे रहता है हमेशा, म्यूजिक बजता ना हमारा कॉल आने पर। तीसरा है माइक, माइक में क्रिस्टल माइक है हमारा, अभी माइक में भी देखेंगे। इसके अलावा है हेडफोन जैक, क्या है? हेडफोन, हेडफोन में 6 पिन रहते मैक्सिमम, आप देखे होंगे 5 से 6 पिन आते, तो वो भी पढ़ेंगे अभी। तो ये तो हो गया सारा। तो यहाँ से SYNC क्लॉक और RX की लाइनें ट्रैक्स रहती इस तरीके से। तो ये वाला फोटो ले लिया आप, ले लो, स्टेप बाय स्टेप एक एक देखते चले जाएंगे। अब ये जो है हमारी एनालॉग आईसी है, रिंगर आईसी, इसमें डिजिटल भी आते, बहुत सारे आते, अलग अलग देखने के मिलेंगे। तो आपको ये जो आईसी हमारी 16 वॉल्ट की है, हट जाऊं, ठीक है। अब इस आईसी को चलाने बहुत सारे वोल्टेजेस चाहिए, मतलब एक पूरा एक सेक्शन है ना ये रिंगर का, फिर ऑडियो का एक अलग सेक्शन है, माइक का एक अलग है, रिसीवर का अलग है। सारा चीज को आपको इनपुट देना होगा, सिग्नल देना होगा, कोई इनेबल से चलेंगे, कोई I2C से चलेगी, पता है ना ये तो सिग्नल लाइन में क्या रहता, किसी में इनेबल रहेगा, किसी में I2C रहेगा। तो अभी देखेंगे अपन कोई भी एक रिंगर ऐसी खोल के, कोई भी मॉडल आपकी मर्जी से बताना, मैं तो एक ऐसी बता रहा हूँ आपको, फिर इसके बाद और में देखें। अच्छा, अब रिंगर में भी दो आ गए, ये हटा दूं, ये हो गया ना ये। तो रिंगर में भी क्या हो गया? दो आईसी आ गई, एक तो हो गई हमारी ये नॉर्मल वाली जिसको हम एनालॉग आईसी बोलेंगे, और एक दूसरे आ गया ये नॉर्मल पी है, ये क्या है? और एक अभी आ गया स्मार्ट पी है, क्या आ गया? स्मार्ट पी है। जैसा अभी हम देखे थे ऑडियो आईसी से कनेक्शन था रिंगर का, इसका था, लेकिन अभी जो स्मार्ट पी आ रहा है ऑडियो की जगह पे, ये क्या बन जाएगा? सीपीयू से कनेक्शन हो गया रिंगर आईसी का, समझ रहे आप? इस आईसी का, रिंगर का, पीए का, ऑडियो आईसी से कोई लेना देना नहीं, सीधा पूरे ट्रैक है जो भी रहेगी सीपीयू से आएगी। दो टाइप का आपको आ रहा है, ठीक है, देख लेंगे उसको। तो सबसे पहले इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये एक मॉडल का हम डायग्राम लिए, ये एक इसका ऑडियो आईसी है जो कि पावर है, ठीक है। तो पावर में क्या क्या सप्लाई, इधर से VPS दे रहे, क्या देना है? एक VPS देना है, दूसरा S4 मतलब हायर LDO 2 वोल्ट, कितना बोलेंगे? 2 वोल्ट। ये यही आईसी बनाएगी, ये दोनों वोल्टेजेस जो बनाती है कौन बनाती है? पावर ही बनाएगी। ये तो है ऑडियो का सेक्शन, जैसा इसको अपन ऐसा लिख देंगे, तो यहां तक ले लेता हूं मैं, ये ऑडियो हो गया हमारा, क्या हो गया? और ये कौन सी एसी हमारी? पावर है ना, ये इसी में है ना, अभी ऑडियो प्लस क्या है इसके अंदर? ऑडियो प्लस पावर है। तो पावर है तो ये तो ऑडियो का सेक्शन हो गया इतना, और ये नीचे का क्या हो गया? इसको ले लेते हैं यहां से, ये हमारा हो गया पावर, और इसको यहाँ से बंद कर देंगे, और इसको यहाँ से ले लेंगे क्योंकि ये लाइन तो इधर रहती ना कनेक्टेड, ऑडियो में कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पावर। अब इसको भी ले लेंगे यहाँ से, चलो इतना ले लेते हैं, थोड़ा ड्राइंग में ऐसा हो गया, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा लिख कर समझ सकते हैं ना, ये है पावर आईसी हमारे पास, ठीक है। तो पावर से तो सिर्फ ये वोल्टेजेस बनेंगे, कौन से वोल्टेजेस? एक 1.8 आ जाएगा किधर? पावर में, मतलब पावर से निकल रहा है ये, पावर से निकला और वापस किधर आया? पावर में तो आया, लेकिन कौन से सेक्शन में? कौन से सेक्शन में? ऑडियो के सेक्शन में। तो मैं इसको इधर आ रहा हूं, मार्क डाल दे रहा हूं, थोड़ा कलर दूसरा ले लेंगे, समझ सकते हैं ना, ये आ रहा है वोल्टेज,
कहां से आ रहा है? क्योंकि जहां भी वी आर ई जी लिखा रहेगा, कल भी बताया था मैं, वो पावर आईसी बनाती है। पावर आईसी में जो कौन सा सेक्शन रहता है? ये एलडीओ सेक्शन। क्या रहता? जिसको वी आर ई जी टू बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे? ये अभी अपन पावर आईसी में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। पावर सेक्शन पढ़ते ना तो समझना, वीपीएस देने के बाद ही जनरेट होता है, ठीक है? वीपीएस दिए इधर से, 4 वोल्ट आ गया इधर इस आईसी को चलाने के लिए ऑडियो को, ठीक है? उसके बाद ऑडियो दो वोल्टेजेस बनाई, एक 2 वोल्ट और एक दूसरा 2.0 जो है उसको हायर एलडीओ बोलते हैं अपन, S4, और एक बनाया 1.8। और ये जो पावर की बात हो रही है PM8937, कौन सा है ये? एक पावर का मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। तो बहुत सारे पावर्स है ना, PM660 है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो ये हो गया ऑडियो। अब ये सीपीयू से 3 सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, किसमें आ रहे हैं? पावर एसी में। ये आपके RX की टैग है, ये हमारी क्लॉक की सप्लाई है। क्या है? क्लॉक की टाइमिंग। ये है SYNC, सिंक्रोनाइज बोल के क्लाइंट। 3 लाइन है, कहां से कनेक्टेड है? सीपीयू से। तो ये मिलने के बाद ये एसी को वोल्टेजेस मिल गए, इधर से सिग्नल मिल गए, इधर से वोल्टेज मिल गया। मिलने के बाद अब ये जो निकाल रही है यहां से, 2 सिग्नल निकाल रही है। कितने? 2 सिग्नल। और ये दोनों जाते हैं रिंगर एसी में। कहां पे जाएंगे? रिंगर अभी पड़े ना, रिंगर पीए, रिंगर पीए मतलब बूस्ट कराने के लिए। ये 2 सिग्नल जाएंगे, फिर ये आईसी में 16 गोले रहते। कितने? फिर उसको ये सब देना पड़ेगा, तब जाके उन्हें नीचे रिंगर पे निकालती सप्लाई, मतलब नीचे रिंगर पे एम्पलीफाई करके वो सिग्नल को वहां पे भेजेगी जहां पे हमारा रिंगर लगा रहता है। मतलब आप गाना बजा रहे, यूट्यूब बजा रहे, कॉल आया तो आवाज आना ना, तो वो हमारी रिंगर आईसी। और ये कौन सी हो गई? और ये सीपीयू। और ये कौन सा हो गया? चार्जिंग आईसी। याद रखते हैं। तो अब इसमें ऑडियो भी है, पावर भी है। अब जिसमें अलग अलग रहेगा ऑडियो पावर, तो समझना ये लाल कलर की एक अलग आईसी है जिसको हम WCD बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और ये ग्रीन कलर जो डाला हूं मैं, ये हमारी कौन सी आईसी है? पावर आईसी। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? इसका फोटो ले लो, आगे बढ़ेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खाली फोटो लेना है कि बनाना भी है? बनाना आएगा। अभी तो अंदर कितने नंबर गोले पे आ रहा है ये भी निकालना है ना अपने को। तो ड्रा करने आया तो ही तो पता चलेगा कि ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये कितने नंबर पे आ रहा है। क्या समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक VDD स्पीकर ड्राइव के नाम से 5 VPS दे दिए, 4 वोल्ट। कितना वोल्ट देते हैं? 4 वोल्ट। या VDD PA के लिए कितना वोल्टेज? और ये IO वोल्टेज है हमारा 1.8 रहता, कल भी लिखाया था मैं VIO, याद है ना? VIO या VDD IO या VREG लिखा रहता 1.8, ये इंपॉर्टेंट है। कल डिस्प्ले सेक्शन में भी देखे थे अपन, 1.8 का वोल्टेज नहीं रहा तो फिर डिस्प्ले आपका नहीं आता। चलो तो ये हो गया हमारा एक ऑडियो और सीपीयू का कम्युनिकेशन। हटा दूं ये? चलो अब यहां से 2 लाइन निकले ना ये, अब इसके आगे का देखेंगे, इसके आगे का जाता किधर है। तो ये 2 लाइन यहां के बाद यहां पे, ये वही आईसी है हमारी, ये 2 लाइन वहां उतारे थे अपन। उसके बाद सीरीज में क्या मिले? 2। इसका वैल्यू बताता हूं मैं, कितना वैल्यू करेंगे। फिर 2 रजिस्टर, ये हाई वैल्यू के भी हो सकते हैं, 0 ओम्स के भी हो सकते हैं। फिर एक दोनों के बीच में जो लगा है ये, इसको बैलेंसिंग कैप बोलते हैं। ये दोनों लाइन के साथ लगा है, ठीक है? यहां भी लगा है, यहां भी लगा है। तो ये है हमारी रिंगर आईसी। क्या है? रिंगर आईसी। कितने गोले है? 16 बॉल है इसमें। तो A1 और A2 में ये जो आईसी बता रहा हूं मैं आपको, K318, इसी का ये डाटा है। अंदर कितने गोले है उसके अंदर? 16 है। लेकिन यहां कुछ समझ में आ रहा है क्या आपने को? बस एक छोटी सी आईसी दिख रही, बहुत छोटी रहती आईसी है, तक अपने गोले तो नहीं दिख रहे ना, लेकिन जब आप निकालोगे तो क्या रहेगा इसमें? 16 गोले रहेंगे। इधर 0 दिख रहा है, इधर यहां पे रहता है इसका A1 का पिन, ठीक है? तो A1 में देखो आ रहा है ये, फिर A2 में भी आ रहा है, यही है ना दोनों भी? समझ रहे आप? 3 पिन क्या रहेंगे इसमें? ग्राउंड। क्या रहेंगे? ग्राउंड। और ये हमारे फ्लाइंग कैप बाजू में 2 लगे हैं, ये कंपलसरी जरूरी है। ये बूस्ट कराते, एम्पलीफाई कराते, पास में लगे रहते, जरूरी है रहना, निकालना नहीं इसको, ठीक है? और ये हमारा 2 लाइन आउटपुट के हैं। आउटपुट में 2 कॉइल हमेशा मिलेंगे, यहाँ पे बता रहा मैं आपको, दिख रहा है ये 2 कॉइल किधर है ये? अब ऐसा नहीं है कि यही मॉडल में, देखो मैं एक और मॉडल में बता रहा हूँ, एक दूसरा, ये तो अलग था, ये देखो इसमें भी हर एक में रहेंगे ही रहेंगे। देखो ये आउटपुट वाले कॉइल हो गए, इधर दिख रहे ये, और वो इनपुट वाले रजिस्टर, आंख से देख के पहचान सकते हैं। देखो आईसी कौन सी है ये? वही है ना हमारी K318।
और इसमें क्या क्या है, एक इनेबल सिग्नल, ये देखो इधर से VPH आया और इनेबल है इसका इधर से CPU से, कहां से, यहां पे आपको मिल जाता 1.8 वोल्टेज। तो अब सबसे पहले आपके पास एक हैंडसेट आ गया जिसमें आवाज नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, क्या क्या चेक करोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूं। फर्स्ट देख लो, पहले देख लो, समझ लो। फर्स्ट मोबाइल हाथ में लेने के बाद साउंड नहीं आ रहा, गाना प्ले करे, यूट्यूब प्ले करे, कुछ भी करे, तो फर्स्ट ये दोनों टिप्स पे देखेंगे GR, क्या देखेंगे GR. हम कूल टेस्टिंग करते हैं ना, सबसे पहले तो GR देखेंगे, कितना देखेंगे, प्लस 400, कितना, इधर भी सेम प्लस 400, दोनों पे सेम GR आना चाहिए, किसी में भी बीप नहीं आना, किसी में भी OL नहीं आना। बीप आया तो लाइन क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट हो गई तो ये पैरेलल का कैप देख सकते हैं, उसके बाद ये लाइन किधर जा रही है, आईसी में, तो ये आईसी खराब हो सकती, ठीक है, नहीं ओएल आ रहा, ओएल आ रहा तो सबसे पहले क्या देखोगे, कॉइल, शॉर्टिंग में पहले क्या देखे थे, कैप, और ओपन में क्या देखेंगे, कॉइल, कॉइल के बाद में ये आईसी सही से नहीं लगी, ड्राई सोल्ड हो गई, या अंदर का कोई ये वाला गोला टूट गया, या ये वाला गोला टूटा हुआ है, या आईसी का अंदर का गोला टूटे हुआ है, या सही से रिवॉल्व होके नहीं हुआ, तो वहां पे अपने को क्या मिलता रहेगा, ऑयल। तो कॉइल सही है कि नहीं ये देखने आता ना अपने को, बीप बजा के देख सकते हैं। दूसरा ट्रैक सही है कि नहीं देखने के लिए GR पहले इस तरफ का देखेंगे GR, उसके बाद किधर GR देखना है, इधर नहीं आ रहा इसलिए तो यहां देखना है, किधर देखेंगे, कॉइल के पास, अगर इधर GR आ रहा इधर नहीं आ रहा तो समझ में आ जाता है कॉइल क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया, समझ सकते ना, ये तो सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट अपन पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये कैप देख लेंगे, फिर क्या देख लिए, कॉइल, उसके बाद में किस पे काम करना है, आईसी लगाने से पहले यहाँ से क्या बजा के देखेंगे यहाँ तक, अगर बीच में अगर हाई वैल्यू रजिस्टर रहेंगे, ज्यादातर नहीं रहते इसमें, कॉइल ही रहता पूरा, यहाँ से वहां तक बीप मारना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चेक करोगे ना आप, बीच में देखो दो कैप लगे है ना, तो इसका जो ऑडियो का GR है इस तरफ तो GR मिलेगा, इधर ओएल बताता आपको, क्या बताता, तो इधर भी क्या बताएगा, इधर भी, तो आप क्या समझते, ट्रैक क्या हो गया, ओपन समझते ना, ठीक है। तो कहां चेक करोगे GR इसका, कैप से पहले, कहां देखोगे, क्योंकि सीरीज में जब कैप आ जाता ना तो यहाँ का GR यहाँ पे रुक जाता, पता है ना आपको, आगे फिर ऑयल मिलता, तो यहाँ पे दोनों के पास अपने को क्या मिलेंगे, सिग्नल, क्या हो रहा है यहाँ पर, इनपुट यहाँ से ऑडियो के क्या आ रहे हैं, इसमें से सिग्नल आ रहे हैं, इसको हम DSO से चेक कर सकते, समझ रहे, दोनों में सिग्नल आना चाहिए। GR देखना है आपको, ट्रैक चेक कर लेना है, ये रजिस्टर ओपन हो सकता है, यहां से कोई कैपेसिटर हटा देंगे, कुछ और डाल देंगे ना, तो नहीं आवा काम करेगा सही से सेक्शन, ठीक है, सारा चीज देखना है। ये दोनों लाइनों का तो सेम टेस्टिंग है, ठीक है, उसके बाद आईसी आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मेन चीज है क्या है, इनेबल, क्या है, क्योंकि इसमें भी क्या आता है अपना वोल्टेज आता है 1 वोल्ट से लेकर के 1.8 वोल्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनेबल सिग्नल। इस आईसी को एक्टिवेट कराना है ना, वर्क कराना है, ठीक, तो वो कहां से आएगा हमारा, क्योंकि इसमें I2C नहीं आ रहा है, SPI नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या आ रहा है, सिर्फ सिग्नल। तो बंद कंडीशन में ये रजिस्टर अगर पैरेलल में लगाया तो यहाँ पे क्या देख लोगे आप, GR, क्या देखना है, फिर ऑन करके क्या देखोगे, वोल्टेज, ठीक है। अब दूसरी बात, इस आईसी को कैसा चेक करेंगे, तो आईसी निकाल दिया आप, क्या कर दिए, आईसी निकाल देने के बाद जो GR आना है हमारे को, ले लेता हूँ कलर, चलो लाइट कलर ले, देखो आईसी निकाल दिए, लगी है जब तो कुछ चेक नहीं कर सकते, आउटपुट ही चेक कर सकते, लेकिन जब निकाल दिए सबसे पहला यहां पर चेक करोगे 4 वोल्ट, कितना वोल्ट, 4 वोल्ट हॉट टेस्टिंग में, नहीं अगर आपको कूल टेस्टिंग करना है तो यहां देखेंगे GR, क्या देखेंगे, VPH का GR कितना, 250 प्लस 252, कितना आता भाई, 450, यहां पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, किस लाइन का GR है, ये बैटरी, जैसे ही आप कनेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे बैटरी अपन कनेक्ट करते ही यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 वोल्ट इन हो जाता है, इसमें होना चाहिए। तो बैटरी कनेक्ट करे तो वोल्टेज चेक करो, अगर कनेक्ट नहीं करे, बैटरी निकाल दिए, तो क्या देखेंगे, GR, यहाँ पे GR देखेंगे। दूसरा GR कहाँ देखोगे, इस लाइन में, PA की लाइन में, कितना देखोगे, CPU से जो GR आता प्लस 400 to 700, कितना आता है, ये GR किधर मिलना है अपने को, 700, ये दो गोलों पे मिलना है, इधर मिलना है, इधर नहीं मिलना है, इधर नहीं मिलना है, बाकी किसी में भी GR नहीं मिलना है, सिर्फ कितने गोलों में मिलना है, तीन गोलों पे, कितने, अगर से यहां पे अगर GR मिल गया तो ये लाइन हो गई क्या,
लीकेज क्या हो सकता है इसमें, कैपेसिटर क्या हो सकता है, बाकी के इन लाइन में मिल गया या ये लाइन में, ये लाइन में या ये लाइन में या ये लाइन में, या किधर भी आपको जीआर मिल गया तो वो लाइन क्या हो गई, लीकेज। और किधर पे भी अगर से बीप मिल गया, क्या मिल गया, तो वो लाइन क्या हो गई हमारी, समझ रहे आप, जीआर आया तो लीकेज, बीप आ गया तो आना क्या है, ओएल आना है, क्योंकि आईसी में कुछ पिन इनपुट रहते हैं, कुछ आउटपुट रहते हैं, कुछ एनसी रहते हैं, कुछ ग्राउंड पिन रहते हैं, पता है ना अपने को। तो आउटपुट में पहले से ही जीआर आएगा क्या, कब तक नहीं आना, जब तक आईसी लगी नहीं, जब तक हम स्विच नहीं डाले तो फैन नहीं चलना, लाइट नहीं जलना, समझ रहे आप। लेकिन स्विच डालो या ना डालो फैन चल रहा है, स्विच डालो या ना डालो लाइट आ रही है, मतलब क्या खराब हो गया, तो यहाँ समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे एक मिनट, ये कोई कैपेसिटर लीकेज हो जाए, खराब हो जाए, तो जब आईसी लगे रही तो आपको समझ में नहीं आता, जीआर आते रहता ना यहाँ पर, आईसी जब लगे रही तो आप क्या समझते, आईसी का जीआर है वो। लेकिन वो कैपेसिटर अगर लीकेज हो जाए तो पता कैसा चलेगा, आईसी हटाने पर जीआर आ रहा, तो समझ रहे आप, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लो इसको। कहां पे बीप नहीं आना, इन सारे गोलों पे, यहां तो तीनों पे बीप मिलेगा, पता है ना ये, क्योंकि ये तीनों पिन क्या है हमारे, ग्राउंड है, याद रखते हैं। इधर बीप आना है क्या अपने को, इधर 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 आया तो इधर आना है बीप, वीपीएच लाइन में जी आ रहा, बीप आ गया तो लाइन क्या हो जाती, शॉर्ट हो जाती, और इधर से बीप आ गया तो आईसी ही इनेबल नहीं होगा, याद रखते हैं। और इधर तो बीप नहीं आना है ना आपने, ये दो गोलों पे, ये तो सिग्नल वाली लाइन है, इसमें तो ऑयल ही बताएगा दोनों में, क्योंकि पीछे में क्या लगा है, कैपेसिटर। चलो लिख लो इतना, क्या पूछ रहे थे भाई इसको, हाँ सिग्नल आएगा उसमें, जी आर कहाँ चेक करना लिखा है मैं आपको चीज, यहाँ पे दोनों पे आप जी आर देखे, और जब गाना प्ले करोगे क्या करोगे, गाना प्ले करोगे तो इन दोनों पे वोल्टेज आएगा, कितना आएगा, 1 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट, कितना, दोनों पिनों पे, याद रखो। उसके साथ जब गाना प्ले करोगे ना आप, गाना प्ले करोगे तो यहां से मिलेगा सिग्नल, अभी मैं डीएसओ से चेक करके बताता हूँ आपको, क्या मिलेगा साथ ही साथ, यहाँ से प्लस का मिले, एक होता है इसमें पी और एक है एक माइनस, यहां से दोनों सिग्नल, मतलब एक लेफ्ट और राइट समझ लो इसको, यहां से भी क्या मिलना है सिग्नल, और यहां पर क्या लगा लेते हैं आप उसका रिंगर, और रिंगर को कैसे चेक करते हैं, रिंगर को चेक करेंगे तो आएगा बीप, क्या आएगा बीप, साथ में आएगा ओम्स, ओम्स कितना आएगा, 7 ओम्स से लेकर 12 ओम्स, कितना आएगा, रिंगर चेक करते हैं ना नीचे का, बीप आना साथ में क्या आना है 12 ओम्स, और यहां पे कुल टेस्टिंग में जीआर चेक करोगे 400 से 800, और जब गाना प्ले करोगे तो साथ में क्या देखोगे, वोल्टेज, और जब डीएसओ अगर ले लोगे तो साथ में क्या देखोगे, सिग्नल। अभी मैं बताता हूँ आपको एक फोन में, ठीक है, चलो ड्रा कर लो फटाफट।